हाय फ्रेंड्स, मैं भावेश सोहन स्वागत करता हूँ आज के मारुति सुजुकी एर्टिगा 2080 के डिटेल वीडियो में। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी ने शोकेस कर दी अपनी 7 सीटर एर्टिगा 2080 को इंडोनेशिया में, जो कि 7 सीटर सेगमेंट में धूम मचाने वाली एक फैमिली कार है। और साथ में इस कार को हटके बनाती है मारुति सुजुकी का ब्रांड नेम। और मारुति सुजुकी ने इस कार में काफ़ी चेंजेस किए हैं, लेकिन इसकी डिज़ाइन इंस्पायर लगती है टोयोटा इनोवा से। मेन फीचर्स की बात करें तो कंप्लीट न्यू डिज़ाइन आपको इस कार में मिल जाते हैं। हाईलाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, क्रोम ग्रिल डिज़ाइन मिलता है, फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल मिरर विथ टर्न सिग्नल लैंप्स मौजूद है, 15 इंच के एलॉय व्हील्स है, क्रोम हैंडल भी मिलता है, रियर एलईडी कॉम्बिनेशन लैंप्स है, एलईडी हाइट माउंट लैंप्स भी मौजूद है, रियर पार्किंग सेंसर और कीलेस स्मार्ट एंट्री, लार्ज बूट स्पेस मिलता है इस कार में, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मौजूद है। और यहाँ पे मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी इस कार में दी गई है। बॉटम फ्लैट स्टीयरिंग जो डिज़ायर में मौजूद है, वही सेम स्टीयरिंग आपको इसमें मिलता है। और डैशबोर्ड को वुडन टच दिया गया है, रियर मेट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और 7 सीटर में मारुति सुजुकी की ओर से ये बेस्ट कार है, जिसकी प्राइस 7 लाख से 11 लाख तक हो सकती है। हालांकि इसकी प्राइस अभी कंफर्म नहीं हुई है। बात की जाए व्हीकल की ओवरऑल वेट की, तो काफ़ी लो वेट बनाने की कोशिश की गई है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। 1.5 लीटर डीजल इंजन आया तो 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। सेफ्टी की बात की जाए तो ड्यूअल एयरबैग, EBD, ABS और चाइल्ड सीट मोल्ड मिल जाता है। और इस वेरिएंट में आपको AMT और CVT भी उपलब्ध किया जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।